हरियाणा के सहकारिता अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में आज पलवल के महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं परिवार समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला, होडल विधायक जगदीश नायर, हथीन विधायक प्रवीण डागर, हैफेड के चेयरमैन सुभाष कत्याल, पशुधन बोर्ड के वाइस चेयरमैन मेहर चंद गहलोत भी मौजूद थे। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में एजेंडे में कुल 24 शिकायतों को शामिल किया गया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने उक्त शिकायतों को क्रमवार सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायतों को हल करने के दिशा निर्देश जारी किए। इस अवसर पर किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पलवल शुगर मिल को सुचारू रूप से चलाने की मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से मुलाकात की। किसानों के प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव रतन सिंह सरोत, इनेलो जिलाध्यक्ष अजीत बॉबी भी मौजूद थे। हरियाणा के सहकारिता अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन देते हुए कहा कि शुगर मिल में तकनीकी खराबी आने की वजह से शुगर मिल बंद हो गई है, लेकिन शुगर मिल के उच्च अधिकारियों को बुलाकर उन खामियों को दूर कर लिया गया है। मिल दोबारा शुरू हो गई है, मिल में आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि किसानों को पूरा गन्ना खरीदा जाएगा। मिल में किसानों का जो गन्ना है उसका लेन देन कर रोहतक महम की शुगर में भिजवाने का कार्य किया जाएगा। गन्ने की पिराई के दौरान किसानों को कोई परेशानी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि किसानों ने ज्ञापन देकर मांग की है कि मिल सुचारू रूप से चलनी चाहिए, फिलहाल शुगर मिल चल रही है। गन्ना किसानों की पेमेंट के बारे में उन्हें आश्वासन दे दिया गया है कि उनकी पेमेंट हो जाएगी। मिल में जो गन्ना रखा हुआ है उसकी पिराई की जाएगी। ऐसा देखो, ये टेक्निकल दिक्कत आ जाती है और वो दिक्कत आई और उस पर हम रेगुलर टच में रहे और उच्च अधिकारियों को बीच बीच में भेजकर हमने इस मिल को दोबारा से चलवा दी है और कल से मिल चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आगे दिक्कत नहीं आएगी। किसानों को परेशानी हुई मानता हूँ, लेकिन आगे इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी और किसानों का सारा गन्ना लेंगे हम और जो यहाँ पेंडिंग है उसको रोहतक या मैम दूसरी मिल में भेजेंगे और किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने यही कहा था कि मिल चलनी चाहिए, मिल चल गई है, ठीक है। आगे उनकी पेमेंट की थी, वो पेमेंट की भी हमने कह दिया पेमेंट हो जाएगी। तीसरा ये था कि भाई हमारा सारा गन्ना पिराई होना चाहिए, वो भी हमने कह दिया कि भाई यहाँ नहीं तो रोहतक और मैम भेज के इसको पूरा करवाएं।